मेथड पढ़ने से पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स क्या होता है, मतलब वो चीज़ें जिनको हम डेट करने चल रहे हैं वो एग्जैक्टली हैं क्या। ठीक है, सो आइए देखते हैं। सो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स आर द मटेरियल थिंग्स होती हैं पीपल लीव बिहाइंड देम एंड आर रिट्रीव्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम द अर्थ, दे मे बी कलेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द साइट और डग अप। मतलब ऐसी चीज़ें जो अर्लियर जो ह्यूमन्स हैं उसको क्या किए हैं, छोड़ के चले गए हैं अपने पीछे, और उसको क्या करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, इसको क्या करता है रिट्रीव करता है फ्रॉम द अर्थ, और उसको अर्थ पे कैसे पा सकते हैं, या फिर वो सरफेस के ऊपर पे आएगा या फिर उस चीज़ को वो डग करके निकालेगा। मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा बहुत सी चीज़ें ज़मीन के अंदर अर्ली ह्यूमन्स उसको सेफ्टी पर्पज़ से या फिर बहुत से रीज़न से उसको अंदर ज़मीन के अंदर उसको बरीड कर देते हैं। सो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है, उसको डग अप करके ऊपर निकालता है और फिर उसकी स्टडी करता है, ठीक है, उसको डेट करता है। ठीक है, सो ये सब चीज़, तो ये हुआ आर्कियोलॉजिकल रिमेन जिसको हम क्या करते हैं डेट करते हैं। ठीक है, सो आइए आगे देखते हैं। सो अगर इन जर्नल देखा जाए तो पीपल जो है वो तीन तरह की चीज़ें अपने पीछे छोड़ के जाते हैं। पहला क्या है, रिमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब अपने इन्वायरमेंट जिस वो इन्वायरमेंट पे रहते हैं, जैसे अगर कोई ह्यूमन जो है ठंडी जगह रह रहा है तो उस हिसाब से वहाँ की चीज़ें होंगी, गर्म जगह रह रहा है तो वहाँ वैसी चीज़ें होंगी। तो पहला तो उसके इन्वायरमेंट के आपको रिमेन्स मिलेंगे। दूसरा क्या है, उसके बिहेवियर के, बिहेवियर से यहाँ मतलब है कि वो जो भी उसको कल्चर जैसा है, मतलब वो जो भी सामान यूज़ करता है, आर्टिफैक्ट्स वगैरह इसमें आएंगे। ठीक है, सो जो भी आर्टिफैक्ट वो ह्यूमन यूज़ किया है, और लास्ट है उसका खुद का स्केलेटन, उसका खुद का स्केलेटन। तो ये तीन चीज़ें जो है एक जर्नल में मैं अगर देखो तो कोई भी इंसान जो है वो अपने पीछे छोड़कर जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि जो हम लोग डेटिंग हम किस लिए करते हैं। ठीक है, सो डेटिंग हम इसलिए करते हैं कि हम एक क्रोनोलॉजी सेट कर सके कि कौन पहले आया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, हमारी जो इवोल्यूशन की पूरी हिस्ट्री है हमारी जो ह्यूमन की, उसको हम लोग क्या करते हैं एक क्रोनोलॉजी टाइम के हिसाब से उसको सेट कर सके। ठीक है, सो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं डेटिंग के हेल्प लेते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सके क्रोनोलॉजी मेंटेन कर सके। तो क्रोनोलॉजी क्या है, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स है और द मटेरियल्स है विच रिप्रेजेंट देम इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस इन टाइम। तो टाइम के हिसाब से जो भी इवेंट्स हुए हैं या फिर जो भी मटेरियल जो भी मटेरियल हमारे सामने आए हैं, तो कौन सा पुराना है कौन सा नया है, उसको जब हम एक टाइम फ्रेम में सेट करते हैं तो उसी चीज़ को क्या कहते हैं क्रोनोलॉजी कहते हैं। और उस क्रोनोलॉजी को सेट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, डेटिंग मेथड्स की ज़रूरत होती है। ओके, आइए देखिए अब क्या हुआ कि जो प्री हिस्ट्री पीरियड था उसको, जिसको हम लोग कहते हैं पीरियड, जब हमारे पास क्या नहीं था, कुछ हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, कोई रिटन डेटा नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, सो उस प्री हिस्ट्री जो हमारा जो पीरियड है उसको हम लोग कैसे डेट करेंगे, उसको हम लोग कैसे जानेंगे। सो उस लिए हम लोग क्या करते हैं, देयरफॉर हम लोग ने क्या किया कि कोई भी एनी काइंड ऑफ जो हमें प्री हिस्टोरिक रिमेन्स मिल रहे हैं, रिकवर जो हो रहे हैं, अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है उसको देख कर कि ये चीज़ कितनी पुरानी होगी। आपको कोई पॉटरी मिली, आपको कोई बोन मिला, ठीक है, और अगर आपको उसके साथ कुछ डेटा नहीं मिल रहा है, कुछ रिटन रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है उसके साथ, तो आप कैसे जानोगे कि ये चीज़ कितनी पुरानी है, इसको कौन यूज़ करता था, ये किस टाइम पीरियड की है। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस आंसर को हम लोग ढूंढने के लिए हम लोग किस पे रिलाई हो जाते हैं, डेटिंग मेथड्स पे रिलाई हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। सो हमें जब आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स को क्या करना रहता है, एनालाइज करना होता है, सो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्या प्रोसेस होती है, पहले तो हम लोग उस रिमेन को हैंडल करते हैं। ठीक है, उसको प्रॉपरली, उसको केयरफुली हैंडल करते हैं, फिर उसको कैटेगराइज करते हैं कि किस तरह का आर्कियोलॉजिकल रिमेन है ये, कोई किसी का स्केलेटन है, ठीक है, स्केलेटन है या फिर आप कोई आर्टिफैक्ट है, मटेरियल है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ है, कोई बोन है, ह्यूमन का रिमेन है, तो उस बेसिस पे हम उसको कैटेगराइज करते हैं और फिर लास्ट में उसकी क्या करते हैं, उसकी डेटिंग करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। सो हमें जो भी आर्कियोलॉजिकल रिमेन मिलता है उसकी हैंडलिंग बहुत ज़रूरी होती है, और इसलिए डी लीचमैन ने कहा भी था कि दैट ट्रीट एवरी स्पेसिमेन एज दो इट वर द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। मतलब हर स्पेसिमेन को जो भी आपको एक्सकवेशन में मिलता है उसको ऐसे ट्रीट करिए कि वो इकलौता स्पेसिमेन है इन द होल वर्ल्ड, और उसके बाद आपको नहीं मिलने वाला, आप उसको उतनी डेलिकेट तरीके से आप उसको इसको ट्रीट करिए। ठीक है, सो जब भी हमें कोई रिमेन मिलता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको सबसे पहले प्रिजर्व
प्रिजर्व करते हैं, उसका प्रिजर्वेशन होता है, उसके बाद फिर हम उसको रिपेयर करते हैं। अगर वो कहीं से ब्रेक है, कोई पार्ट ब्रेक है, हमारे पास है वो पार्ट हमें मिला है तो हम उसको ज्वाइन करते हैं जिससे हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल सके। फिर उसकी क्लीनिंग करते हैं, अगर उसमें डस्ट वगैरह है तो उसको क्लीन करते हैं, उसके बाद उसका इंस्पेक्शन करते हैं और फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह का आर्टिफैक्ट है। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया कि इन सब प्रोसेस के लिए, सब कुछ करने के लिए, क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए, खासकर वो चीज़ें जो हमें प्री हिस्टोरिक हैं उसके लिए हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है किसकी, डेटिंग मेथड्स की। सो अब हम लोग पढ़ेंगे डेटिंग मेथड्स के बारे में प्रॉपरली, कि डेटिंग मेथड एग्जैक्टली है क्या और कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सो डेटिंग मेथड्स क्या है, टेक्निक थ्रू विच आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट कल्चरल क्रोनोलॉजीज, मतलब ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो जो कल्चरल क्रोनोलॉजी है, खास स्पेशली ह्यूमंस की अगर बात करें, सो उसको क्या करते हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर से उसको उसको हमारे सामने, पास्ट को हमारे सामने रिलिव करने की कोशिश करते हैं कि कैसा हमारा पास्ट था। ठीक है, उसको क्या करते हैं, एक तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो ये जो डेटिंग मेथड है ये कितने टाइप्स का हो जाता है, दो टाइप्स का हो जाता है, एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड और रिलेटिव डेटिंग मेथड। ठीक है, एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड के बीच में अगर हमें डिफरेंस समझना है तो बहुत इजी एग्जांपल मैं आपको देने जा रही हूँ जिससे आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाए कि रिलेटिव डेटिंग मेथड और एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। ठीक है, देखिए मैं बहुत इजी एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि अगर मैं अभी आपकी मम्मी से पूछूँ कि आपकी बर्थ डेट क्या है, या फिर आप ही पूछो, ठीक है, आप ही अपनी मम्मी से पूछोगे कि मेरी बर्थ डेट क्या है, तो आपकी मम्मी एग्जैक्टली बता देंगी कि आप किस ईयर में पैदा हुए थे, उस टाइम कितना हो रहा था, बहुत सी चीज़ें बता देंगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही चीज़ आपकी दादी से पूछूं, मैं हर बार के पूछ रही हूँ, आप ही पूछोगे भाई, आप अपनी अगर दादी से जाके पूछो कि दादी आपके पापा जो हैं उनकी ईयर क्या है, किस ईयर में उनका बर्थडे हुआ था, डेट टाइम आप सब कुछ पता करो, तो कुछ केसेस में बता लेंगी दादियाँ। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में अगर आप देखोगे तो दादी लोगों को डेट वगैरह एकदम एग्जैक्ट नहीं पता होती। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रिलेट करने की कोशिश करती है, वो लोग ऐसे बताएंगे कि अच्छा जिस दिन आपके पापा हुए थे ना उसके 2 दिन बाद ना दिवाली थी, ऐसे बताएंगे 2 दिन बाद दिवाली थी, और या फिर बताएंगी या फिर कहेंगी अरे जिस टाइम ये हुआ था ना उस टाइम ये इतने बजे वाली ट्रेन जा रही थी, बहुत सी चीज़ें रिलेट करती हैं बहुत सी चीज़ों से, या फिर ऐसे कहेंगी कि अरे उसी के बाद ना मेरे मामा के लड़के की शादी थी, उसी के 2 दिन बाद शादी थी, मैं नहीं जा पाई थी, मतलब बहुत सी चीज़ें रिलेट, मतलब रिलेटिव डेटिंग मेथड में क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपकी दादी को एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, यहाँ पर आपकी दादी क्या कर रही है, रिलेट करने की कोशिश कर रही है, कुछ भी रिलेट करेंगी। अच्छा, जैसे हिंदी के महीने के थ्रू बताएंगे, अरे सावन का महीना था, बारिश बहुत हो रही थी, ये ट्रेन जा रही थी, मतलब क्या करें, वहाँ पर वो चीज़ें रिलेट करने की कोशिश करें, उन्हें एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। लेकिन एब्सोल्यूट डेटिंग में क्या है, आपकी मम्मी एग्जाम्पल है, आपकी मम्मी एब्सोल्यूट एकदम बता रही कि अच्छा आपका बर्थ ना 1997 में हुआ है या फिर 2000 में हुआ है। ठीक है, मतलब वो एग्जैक्ट बता देंगे, वो बता देंगे 8:15 पे आप, 15 मिनट पे आप पैदा हुए, मतलब कुछ आपको एकदम एग्जैक्ट बता देंगे। तो वही चीज़ यहाँ डेटिंग मेथड में भी है कि एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड में क्या हो रहा है, हमें एग्जैक्ट ईयर पता चल जाता है कि ये जो चीज़, ये जो आर्टिफैक्ट हमें मिला है ये कितना पुराना है, कितने साल पुराना है, वहाँ पर हमें ईयर पता चल जाती है कि ये चीज़ कितने साल पुरानी है। लेकिन रिलेटिव डेटिंग मेथड में क्या होता है, हम ईयर नहीं बता पाते कि ये चीज़ कितने साल पुरानी है, हम बस रिलेट कर पाते हैं कि ये चीज़ कौन सी चीज़ नई है, कौन सी चीज़ पुरानी है। ठीक है, कौन ज़्यादा नहीं है, कौन सी चीज़ ज़्यादा पुरानी है, हम वहाँ रिलेशन बस ये करने कुछ, अच्छा ये चीज़ अभी मिली है, मतलब ये जो है हो सकता है ये नियोलिथिक पीरियड की हो, हम वहाँ टाइम नहीं बता सकते कि कितनी चीज़ पुरानी है। ठीक है, हम बस वहाँ पर क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा एक एग्जाम्पल से। चलिए अब पढ़ते हैं, हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ते हैं क्या लिख रखा है। सो रिलेटिव डेटिंग इन आर्कियोलॉजी प्रिज्यूम्स द एज ऑफ एन आर्टिफैक्ट इन रिलेशन एंड कंपैरिजन टू अदर ऑब्जेक्ट फाउंड इन इट्स विसिनिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि उस चीज़ के आसपास की जो चीज़ें हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, उसको रिलेट करते हैं, जो आसपास की घटनाएं हैं, फिर जो आसपास के आर्टिफैक्ट मिले, अगर हमको ये चीज़ की पता है तो हम इसको भी इससे रिलेट करने की पूछे, अच्छा यहीं पाया गया है, इसके आसपास पाया गया, या फिर इस जैसा ही दिख रहा है, मतलब ये भी उसी टाइम पीरियड का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन ढूंढते हैं और कंपेरिजन करते हैं किससे, दूसरे ऑब्जेक्ट से। ठीक,
अब देखिए रिलेटिव डेटिंग मेथड में क्या होता है कि ये कई क्वेश्चंस के आंसर जो नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, हाउ लॉन्ग डिड इट हैपन, कितने लॉन्ग, कितने पहले ये चीज़ें हो चुकी हैं, या फिर ये चीज़ होने में कितना टाइम लगा था, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या आंसर कर सकते हैं वो क्या है, व्हाट हैपन फर्स्ट एंड व्हाट हैपन नेक्स्ट, मतलब पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये चीज़ कितनी पुरानी है, ये चीज़ ये ईयर, जैसे मैंने आपको बताया कि ईयर हम यहाँ पर नहीं बता सकते, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया कि रिलेटिव डेटिंग मेथड क्या है। अब देखिए हम लोग रिलेटिव डेटिंग मेथड्स के सारे टाइप्स पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो क्या है, स्टैटिग्राफी। स्टैटिग्राफी क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रैटा है, अलग अलग स्ट्रैटा पे। जैसे हम लोग जब हम लोग कास्ट और क्लास ये सब पढ़ने लगते हैं, या फिर हम लोग यू नो कास्ट में पढ़ते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो वहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी में, हम लोग कहते नहीं कि स्ट्रेटा लोअर स्ट्रेटा के हैं, फिर ये अपर स्ट्रेटा, ऐसे बात नहीं करते। स्ट्रैटिफिकेशन हुई, कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन, क्लास स्ट्रैटिफिकेशन, लोअर मिडिल अपर, ना। इन द सेम वे यहाँ पर भी स्ट्रैटिग्राफी में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रैटा की बात करते हैं और क्या ये, और उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रैटिग्राफी, मतलब स्टडी ऑफ स्ट्रैटा। और इसमें होता क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ लेयर्स पे बेस्ड है, ठीक है। जो लॉ ऑफ सुपर पोजिशन कहता है कि सेडिमेंट्री लेयर्स आर डिपॉजिटेड इन अ टाइम सिक्वेंस, मतलब जो एक लेयर के ऊपर जो दूसरी लेयर आती है वो एक टाइम सिक्वेंस में क्या होती है, डिपॉजिट होती है, ठीक है। और ये माना जाता है कि सो स्टैटिग्राफी में क्या होता है कि ये माना जाता है कि ये स्ट्रेटा है, इसके बाद ये स्ट्रेटा, वन सेकेंड स्लिप कर रही है पेन, इसमें ये मान लीजिए एक स्ट्रेटा है, उसके बाद ये स्ट्रेटा है, उसके बाद ये स्ट्रेटा है, उसके बाद ये स्ट्रेटा है। तो स्टैटिग्राफी का जो एकदम नॉर्मल सा प्रिंसिपल वो क्या कहता है कि जो लोअर स्ट्रेटा होता है वो ज़्यादा क्या होता है, ओल्डर होता है, कि लोअर है ये उतना ही पुराना है, और जो अपर स्ट्रेटा है वो क्या होता है, उतना ही यंगर होता, उतना ही नया होता, उतना ही, ठीक है। सो न्यूअर है और ये ओल्डर है, ठीक है, ठीक है। सो जो अपर स्ट्रेटा है वो नया है और जो लोअर स्ट्रेटा है वो पुराना है, ये माना जाता है स्ट्रैटिग्राफी में, ठीक। लेकिन जो दो चीज़ें हैं, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ें लोअर स्ट्रेटा पे आपको जो भी सामान मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो भी आर्टिफैक्ट मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, वो पुराना हो जाएगा। और अपर स्ट्रेटा पे आपको जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो क्या हो जाएगी, वो आप अगर क्रोनोलॉजी सेट करोगे तो आपको होगी ये चीज़ अभी नई है और ये चीज़ क्योंकि नीचे मिली है इसी वजह से ये बहुत पुरानी हो सकती है, ठीक। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है वो क्या है, देखिए। सो स्ट्रैटिग्राफी में जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अपने दिमाग में हमेशा रखना है वो क्या है, वो पहला ये है कि ओल्डर स्ट्रेटा मे नॉट ऑलवेज फाउंड बीनीथ मोर रिसेंट स्ट्रेटा ड्यू टू सच कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस एंड इन्वर्जन एंड मिक्सिंग ऑफ स्ट्रेटा। मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लोअर स्ट्रेटा है वो हमेशा ओल्डर हो और यंगर स्ट्रेटा जो वो अपर स्ट्रेटा हो हमेशा यंगर या फिर न्यूअर हो, बिकॉज कई बार क्या हो जाता है, इन्वर्जन ऑफ स्ट्रेटा या फिर मिक्सिंग ऑफ स्ट्रेटा भी हो जाता है। किस वजह से, मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गई, तो इन सब कारणों से क्या होता है, जो स्ट्रेटा होते हैं उनका इन्वर्जन या फिर मिक्सिंग हो जाती है। इस वजह से हम लोग हर समय इस बात पे यू नो, अगर वो स्ट्रेटा अनडिस्टर्ब्ड है तब हम लोग इस प्रिंसिपल को मानेंगे कि लोअर जो है वो पुराना है और अपर जो है वो नया है। लेकिन अगर वो डिस्टर्ब है बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटीज वजह से, तो हम लोग को हमके अपने दिमाग में ये पॉइंट हमेशा रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है स्टैटिग्राफी के साथ वो ये है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट दैट ऑल्दो कल्चरल डिपॉजिट आर फाउंड विद इन द नेचुरल डिपॉजिट, कल्चरल स्ट्रेटा एंड नेचुरल स्ट्रेटा आर नॉट द सेम। इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग स्ट्रेटा है, अब ये एक नेचुरल स्ट्रेटा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब इस स्ट्रेटा पे आपको कल्चरल आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। सो ये कहा जा रहा है, इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि ऑल्दो ये जो कल्चरल स्ट्रेटा है और नेचुरल स्ट्रेटा जो है वो एक साथ पाए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई कहे कि कल्चरल स्ट्रेटा और नेचुरल स्ट्रेटा दोनों सेम है तो ऐसा नहीं है। ये जो नेचुरल स्ट्रेटा है ये अलग होगा और जिस जहां से कल्चरल डिपॉजिट मिल रहे हैं वो कल्चरल स्ट्रेटा जो है वो अलग होगा, ठीक है, ठीक है। सो कल्चरल स्ट्रेटा जो है वो नेचुरल स्ट्रेटा दोनों क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको समझाया कि कल्चरल डिपॉजिट भले पाई जा रही है नेचुरल स्ट्रेटा पे, नेचुरल स्ट्रेटा के ऊपर भले कल्चरल डिपॉजिट पाई जाए, लेकिन अगर कोई कहे कि कल्चरल स्ट्रेटा नेचुरल स्ट्रेटा सेम है तो नहीं सेम है। ये कल्चरल स्ट्रेटा है, इसके ऊपर नेचुरल चीज़ें पाई जा रही हैं, ये नेचुरल स्ट्रेटा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये नेचुरल स्ट्रेटा है, ये नीचे वाली लेयर, वन सेकेंड मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, हाँ। सो ये देखिए, ये जो है नेचुरल स्ट्रेटा है, ठीक है, इसके ऊपर कल्चरल
चीज़ें पाई जा रही हैं, आर्टिफैक्ट्स पाए जा रहे हैं, तो ये भले दोनों एक साथ हैं लेकिन आप नेचुरल स्टेटा को अलग बोलेंगे और कल्चरल स्टेटा को अलग बोलेंगे जहाँ से आपको कल्चरल डिपॉजिट मिल रहे हैं। ओके, सो ये अगर कोई कहे कि दोनों एक ही सिंगल स्टेटा है तो नहीं, ये कल्चरल स्टेटा जहाँ से कल्चरल डिपॉजिट मिल रहा है वो कल्चरल स्टेटा है, और ये जो लेयर है, ये जो सॉइल की लेयर है, ये क्या है, नेचुरल स्टेटा है। ठीक है, नेचुरल बेड है जिसके ऊपर आपका वो जो कल्चरल डिपॉजिट पाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो रिलेटिव डेटिंग मेथड है वो है फ्लोरीन एनालिसिस, यूरेनियम एंड नाइट्रोजन एनालिसिस। देखिए, फ्लोरीन एनालिसिस और यूरेनियम और नाइट्रोजन एनालिसिस, ये तीनों अगर लिख के आते हैं, कि अगर मान लीजिए फ्लोरीन एनालिसिस लिख के आता है या फिर यूरेनियम लिख के आता है या फिर नाइट्रोजन लिख के आता है, तो ये तीनों क्या है, रिलेटिव डेटिंग मेथड के एग्जांपल्स हैं। और पहले लेकिन हम लोग इस वीडियो में फ्लोरीन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्लोरीन एनालिसिस जो इसको डेवलप किया था, इस मेथड को, केनेथ हॉकले ने, इनकी बुक भी एग्जाम में आती है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इनकी एग्जाम में बुक भी पूछी गई है, सो आप इनकी बुक भी देख कर जाएँ। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में इनकी बुक्स भी पूछी जाती हैं। ठीक है, सो इन्होंने ये मेथड डेवलप किया था, केनेथ हॉकले ने। अब फ्लोरीन डेटिंग मेथड में, फ्लोरीन एनालिसिस में एक्जैक्टली हम लोग करते क्या हैं, इसमें जो अमाउंट, देखिए क्या होता है, ये द अमाउंट ऑफ फ्लोरीन एक्यूमुलेटेड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का वो है सिंबल है, टू द टाइम द बोन रिमेन्स इन द सॉइल। मतलब हम लोग फिजिक्स में डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं, आई होप आपको पता होगा, तो यहाँ पर मैंने इसीलिए लिखा नहीं है जिससे कि आपको शॉर्ट फॉर्म में अच्छे से समझ में आए, कि जो अमाउंट ऑफ फ्लोरीन, मतलब किसी बोन के अंदर कितना फ्लोरीन है, ये डिपेंड करता है किस पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कि वो बोन कितनी देर तक जो है वो ज़मीन के अंदर रही है, सॉइल के कांटेक्ट में रही है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, सो अगर मतलब मान लीजिए अगर कोई बोन ज़्यादा टाइम तक जमीन के अंदर रही है, ठीक है, बरीड है, सो उसमें मतलब सीधी सी बात है कि उसमें फ्लोरीन का जो कंटेंट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जो रेट ऑफ फ्लोरीन अपटेक है वो वैरी करता है, क्यों, क्योंकि अगर बहुत, ये किस पे डिपेंड करेगा, वैरी क्यों करेगा, वैरी इसलिए करेगा कि हो सकता है कि जिस सॉइल में मान लीजिए कोई बोन बरी की गई है, अब उसके अंदर जो फ्लोरीन का कंटेंट ही बहुत कम है, या फिर उस सब जगह की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें भी यू नो डिटरमाइन करती हैं फ्लोरीन के, फ्लोरीन उस बोन के अंदर कितना है। ठीक है, फ्लोरीन एक्यूमुलेशन कितना ज़्यादा हुआ है। ठीक है, और जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जाना, ये वो ये है कि दो बोन जो कि सेम एज की हों, सेम एज की हों, मे हैव, उनका फ्लोरीन कंसनट्रेशन क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज क्यों, जैसा मैंने आपको बताया, बिकॉज ऑफ जो सॉइल में फ्लोरीन का कंसनट्रेशन कितना है, टेम्परेचर कितना है, इस बेसिस पे। ठीक, सो फ्लोरीन एनालिसिस में हम लोग अगर एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहें, जिन बच्चों को इन सब चीज़ों में समझने में थोड़ी दिक्कत आई हो, वो ये है कि कोई बोन, सो अगर आप इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो बस ये जानिए कि कोई बोन जितनी देर तक, अगर मान लीजिए कोई बोन है, उसको मान लीजिए आप एग्जांपल पे एकदम लीजिए कि कोई अर्ली मैन है, उसने कोई बोन को किसी मिट्टी के अंदर उसको गाड़ दिया था, अब क्या हुआ कि अब वो उस सॉइल के अंदर क्या होगा, फ्लोरीन होगा उस सॉइल के अंदर, अब वो बोन कितना सॉइल को क्या करती है, उसको एक्यूमुलेट करती है अपने अंदर ना, एब्जॉर्ब करेगी, ऑब्वियस ही बात है सॉइल में है तो बोन उसको क्या करेगी, फ्लोरीन को एब्जॉर्ब करेगी। सो फ्लोरीन एनालिसिस में हम लोग क्या देखते हैं, यही देखते हैं कि उस बोन ने कितना फ्लोरीन एक्यूमुलेट उसके अंदर हुई है, उस बेसिस पे हम लोग उसके टाइम पीरियड को रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि ये अच्छा ये इतनी पुरानी बोन होगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया बट मैं आपको बताना चाहती हूँ वो आप जानें, वो ये है कि देखिए वो ये है कि ये जो फ्लोरीन यूरेनियम और नाइट्रोजन, ये जो तीन एनालिसिस की बात हम लोग रिलेटिव डेटिंग में करते हैं, ये तीनों पहली बात तो किस में है, रिलेटिव डेटिंग में आते हैं, ऐसा मत समझिएगा कि ये कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और आर्गन पोटेशियम हम लोग जो पढ़ते हैं उसी तरह आप इसको रिलेटिव एब्सोल्यूट में लगा के चले आए, नहीं, ये फ्लोरीन यूरेनियम और ये नाइट्रोजन, ये तीनों क्या है, ये तीनों एनालिसिस की अगर बात की जाएगी तो रिलेटिव डेटिंग के अंदर है, पहली बात तो ये एकदम आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि बोन के अंदर कितना फ्लोरीन है, इस बेसिस पे हम लोग कितना उस बोन ने फ्लोरीन को एब्जॉर्ब किया है सॉइल के अंदर, इस बेसिस पर हम लोग ये पता करते हैं कि कितनी पुरानी बोन है। एक चीज़ जो यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जब हम लोग फ्लोरीन एनालिसिस करते हैं तो फ्लोरीन एनालिसिस के साथ ही हम लोग यूरेनियम और नाइट्रोजन एनालिसिस भी करते हैं, बिकॉज जो अगर आप कोई बोन है, मान लीजिए ये मिट्टी है, ये लेयर्स हैं सॉइल की, और इसके अंदर ये बोन जो है
उसको हमने क्या कर रखा है, इसको अर्ली किसी ह्यूमन ने उसको यहाँ पर उसने क्या कर दिया था, इसको अंदर इसके गाड़ दिया था, बरी कर दिया था। अब क्या है कि मान लीजिए हम आप ये बोन, जब आप ये बोन इसके अंदर है तो इसके अंदर क्या होगा, फ्लोरीन और यूरेनियम, फ्लोरीन और यूरेनियम, फ्लोरीन यूरेनियम, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है, इन दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा टाइम के साथ में। आपको ये अपने दिमाग में रखना है, क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन जो नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन है इस बोन के अंदर वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज होगा। सो जब कोई बोन कितनी यू नो पुरानी है, उसमें क्या होगा, जितनी पुरानी बोन होगी उसमें उतना ही फ्लोरीन और यूरेनियम का कंसंट्रेशन, मैं कलर बदल देती हूँ पेन की, वन सेकेंड, तो उसमें उतना ही ज़्यादा फ्लोरीन और यूरेनियम का कंसंट्रेशन उसमें उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन है उसमें उतना ही क्या होगा, कम होगा उस बोन में, ठीक। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये हो सकता है कि कभी यू नो जो पॉइंट वाइज क्वेश्चन आते हैं उसमें आपसे पूछ लिया जाए, तो इसको अपने दिमाग में रखना है कि बोन में जो है फ्लोरीन और यूरेनियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा टाइम के हिसाब से, और नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। सो जिस बोन में नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन जितना कम होगा वो बोन उतनी ज़्यादा पुरानी होगी। सो नाइट्रोजन का अगर कंसंट्रेशन कम है तो बोन उतनी ज़्यादा क्या होगी, बोन उतनी ज़्यादा क्या होगी, पुरानी होगी, ओल्ड होगी। और अगर उसमें फ्लोरीन और यूरेनियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तब बोन उतनी ज़्यादा पुरानी होगी, ओल्ड होगी, ठीक। सो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, फ्लोरीन और यूरेनियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तब बोन पुरानी होगी। अगर इसका उल्टा हो गया तो बोन मतलब नई है अभी, ठीक है। आई होप ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था और आपको क्लियर हो गया हो। चलिए आगे देखें, ठीक है। और सबसे पहले जो इसका यूज़ इस मेथड का हुआ था उसको यूज़ किया था इन्होंने केनेथ ओकले ने ही पिल्टाउन मैन के केस में। सो इस केस में क्या हुआ था कि जो पिल्टाउन मैन है इसको लोग बहुत लोग मानते थे कि ये मिसिंग लिंक है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक है ह्यूमन एवोल्यूशन का। सो इस वजह से ये जो पिल्टाउन मैन था इसको बहुत लोग मानते थे, लेकिन फ्लोरीन एनालिसिस के थ्रू ये चीज़ केनेथ ओकले ने बताया कि ऐसा नहीं है, ठीक है। सो पिल्टाउन मैन में के केस में इसको सबसे पहले यूज़ किया गया था, फ्लोरीन एनालिसिस को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है सीरिएशन का, ठीक है। सीरिएशन जो है ये नेक्स्ट रिलेटिव डेटिंग का मेथड है जो हम लोग पढ़ेंगे। सो सीरिएशन बेसिकली इसका एजम्पशन क्या है, मेन प्रिंसिपल क्या है जिसके ऊपर बेस्ड है, वो ये है पॉपुलैरिटी ऑफ कल्चरली प्रोड्यूस्ड आइटम। कल्चरली प्रोड्यूस्ड जो आइटम्स है, जो भी आर्टिफैक्ट्स है, जो भी हमारा जो है ना मटेरियल कल्चर के अंदर जो भी आती हैं चीज़ें, उसकी पॉपुलैरिटी की बेसिस पे हम लोग डेटिंग करते हैं। कैसे, देखिए इसका मेन जो प्रिंसिपल है वो क्या है, दैट स्टाइल चेंजेस एंड इवॉल्व ओवर टाइम एंड दीज चेंजेस कैन बी प्लॉटेड क्रोनोलॉजिकली। जो स्टाइल है वो टाइम के हिसाब से क्या होती है, बदलती रहती है, और हम उसको क्रोनोलॉजिकली प्लॉट कर सकते हैं। जैसे अगर अभी मैं आपसे कहूँ कि आप रेट्रो स्टाइल, जैसे हम लोग कहते हैं नहीं कि अरे यार थीम जो है ना वो रेट्रो है, रेट्रो का मतलब क्या हुआ कि 90s के पहले की हमें, फिर उसके बाद हम लोग फिर 90s की बात करेंगे, फिर हम लोग अभी की बात करेंगे। अगर आप, मैं आपको करूँ कि आप बॉलीवुड का एक वो सेट करो, तो आप लोग बताएंगे बॉलीवुड में उस टाइम अगर कपड़े क्लोथ की अगर आप करो, केवल मटेरियल क्लोथ भी हमारा एक कल्चरल मटेरियल है, सो आप कहोगे कुछ टाइम ऐसे पैंट पहने जाते थे, बेल बॉटम पैंट पहनते थे, फिर ऐसे आ गया, फिर अब जो मॉडर्न टाइम है उसमें लोग ऐसा पहना, तो हम लोग क्या करें, क्रोनोलॉजी को क्या करें, उसको प्लॉट करने की कोशिश करें। सीरिएशन में भी हम यही करते हैं, जो कल्चरली जो पॉपुलर चीज़ें होती हैं उस बेसिस पे हम लोग जो अपना पास्ट है उसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, उसको मैप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें जो सीरिएशन है वो बेसिकली तीन टाइप्स का होता है। वो पहला जो सीरिएशन है वो है फ्रीक्वेंसी सीरिएशन, देन सीक्वेंस सीरिएशन, और देन कॉन्टेक्चुअल सीरिएशन। देखिए जो फ्रीक्वेंसी सीरिएशन हो जो होता है उसमें बेसिकली हम राइज और फॉल की बात करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ या सामान है ये कब इसकी पॉपुलरिटी कम थी, कब ये एकदम पीक पे अपने गया, और कब इसकी पॉपुलरिटी एकदम गिरने लगी, ठीक है। इसी वजह से इसको बैटलशिप कब भी इसके अंदर हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है, कि ये आइटम इस टाइम इसकी पॉपुलैरिटी बस शुरू ही हुई थी, उसके बाद ये एकदम पीक पे था अपने, और उसके बाद फिर धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी एकदम नीचे गिर गई, ठीक है। तो बैटर सिर्फ कर्व इसमें आता है, ठीक। सीक्वेंस सीरिएशन, देखिए जो सीक्वेंस सीरिएशन है, बहुत लोग जब ऑप्शन देने लगते हैं रिलेटिव डेटिंग मेथड में तो कई बार सीक्वेंस सीरिएशन को सीक्वेंस डेटिंग लिख देते हैं,
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर सीक्वेंस डेटिंग लिखी है या फिर सीक्वेंस सीरिएशन लिखा है तो वो रिलेटिव डेटिंग मेथड का ही पार्ट है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, सीक्वेंस सीरिएशन में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, क्रोनोलॉजी ट्रेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल, कैसे स्टाइल बदल रही है चीज़ों की, ठीक है। मान लीजिए सबसे इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग सीरिएशन में पढ़ते हैं वो है पॉटरी का, ठीक। सो अगर आप पॉटरी देखो, ठीक है, तो पॉटरी में अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके की पॉटरीज बनकर आई हैं, ठीक है। किसी का शेप ऐसे था, किसी का यू नो, अगर आप अभी भी अपने आसपास देखोगे तो आपको अलग अलग तरह की पॉटरी देखने को मिलेगी। सो जो स्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं इस बेसिस पे हम लोग जब अपने पास्ट को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं सो वो सीक्वेंस सीरिएशन में आता है। और नेक्स्ट है कॉन्टेक्चुअल सीरिएशन, मतलब कॉन्टेक्स्ट के बेसिस में, मतलब को अकरेंस ऑफ स्पेसिफिक आर्टिफैक्ट्स, मतलब इस अगर दो जगह एक ही तरह के आर्टिफैक्ट्स यू नो मिल रहे हैं तो उस बेसिस पे हम लोग जब पास्ट को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, उसकी क्रोनोलॉजी मैप करने की कोशिश करते हैं, सो वो आता है कॉन्टेक्चुअल सीरिएशन में। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सीरिएशन एग्जैक्टली है क्या, कि हम लोग जब क्या करते हैं जो भी हमारे पॉपुलर आइटम्स हैं उसके बेसिस पे हम लोग उसको क्रोनोलॉजी को मैप करने की कोशिश करते हैं तो वो कहलाती है सीरिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है पैटिनेशन। पैटिनेशन क्या है, पैटिनेशन क्या है, टू डिटरमाइन द एज ऑफ आर्टिफैक्ट्स रिलेटिव टू अदर बाई कंपेयरिंग द थिकनेस ऑफ पैटिना। मतलब देखिए पैटिनेशन का जो सबसे अच्छा यूज होता है किसमें होता है, स्टोन, जो स्टोन के टूल्स है ना उसमें होता है, ठीक है। बिकॉज जो हमारे जो रॉक होते हैं उस पर एक लेयर जो होती है मोटी लेयर, टाइम के हिसाब से धीरे धीरे क्या होती है, पैटिना की लेयर पड़ती जाती है। सो जो पैटिनेशन में हम लोग क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर कितनी मोटी पैटिना की लेयर है, जितनी थिक जितनी मोटी पैटिना की लेयर होती है मतलब वो उतना पुराना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आर्टिफैक्ट है। और क्योंकि ये स्टोन रॉक के ऊपर होता है, रॉक से स्टोन टूल्स बनते थे पहले, तोड़कर बनाया जाता था ना, सो हम लोग क्या करते हैं कि स्टोन टूल्स पे ज़्यादा इसको इस मेथड का यूज़ करते हैं कि कितनी पुरानी उसके ऊपर पैटिना की लेयर है, जिससे हम लोग ये बता सकें कि कितना पुराना ये आर्टिफैक्ट होगा या फिर ये स्टोन टूल होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पैलिनोलॉजी। सो पैलिनोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, बेसिकली जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो हम लोग पॉलन ग्रेन्स की स्टडी को पैलिनोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, इसको इस मेथड को डेवलप किसने किया था, लेनार्ड वॉन पोस्ट ने इस मेथड को डेवलप किया था। और इसमें इस पैलिनोलॉजी क्या है मैं एक बार पढ़ भी देती हूँ, स्टडी ऑफ पॉलन्स स्पोर्स अदर एसोसिएटेड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इन लिविंग या फिर फॉसिलाइज फॉर्म में। मतलब अगर आपको पॉलन्स स्पोर्स या फिर कोई एसोसिएटेड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अगर आपको मिल रहे हैं जो कि अगर या तो लिविंग फॉर्म में अगर आपको मिल रहे हैं या फिर फॉसिलाइज फॉर्म में मिल रहे हैं, उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, पैलिनोलॉजी कहा जाता है। पैलिनोलॉजी बेसिकली हम लोग इसका यूज देखिए क्या करते हैं, इसको हम लोग अगर वैसे एंथ्रोपोलॉजिकली बोले तो हम लोग इसको पैलियोएथनोबॉटनी भी बोलते हैं, पैलियोएथनोबॉटनी, बिकॉज पैलियोएथनोबॉटनी भी कई बार कहा जाता है। हम लोग पैलिनोलॉजी का यूज़ कैसे करते हैं ट्रेस करने के लिए पास, देखिए अगर आप लोग आप कहीं पे स्टडी कर रहे हैं और आपको किसी फ्लावर कोई फ्लावर का पॉलन मिलता है या फिर, तो आप उस फ्लावर के पॉलन के बेस पे ये समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको पॉलन मिला, अब आप उस पॉलन के बेस पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसका फ्लावर होगा, उस फ्लावर के बेसिस पे आप ये सोचते होंगे कि ये कैसे ट्री होगी, कौन सी ट्री होगी और ये किस तरीके की ट्री कैसे एनवायरनमेंट में हो सकती है, किस एनवायरनमेंट में ये ट्री पाई जाएगी। मान लीजिए कि ये आपको किसी साइकस या फिर पाइन ट्री मिली तो आप अच्छा आप कहोगे कि ये तो ठंडी जगह होगी पक्का ना, एकदम बर्फ़ वाली जगह होगी, एकदम ठंड वाली जगह होगी वहीं पर ये, तो आप क्या कर रहे हो वहाँ से उसकी इकोलॉजी जो है इन्वायरमेंट जो है उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। किस बेसिस पे, एक बस पॉलन के बेसिस पे कि अच्छा ये पॉलन है मतलब ऐसा पेड़ होगा, मतलब ऐसे इन्वायरमेंट होगा, मतलब ऐसे इन्वायरमेंट होगा, मतलब इस तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं, ठंडा इन्वायरमेंट है मतलब ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं, गर्म इन्वायरमेंट है मतलब ऐसे एनिमल्स पाए जाते होंगे। सो आप उस बेसिस पे जब ट्रेस करते हो तो उसको पैलिनोलॉजी बोलते हैं, इसका फिर रिलेटिव डेटिंग मेथड में यूज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी क्या है, पैलिएंटोलॉजी के अंदर ही अगर आप कहो कि पैलिनोलॉजी है तो गलत नहीं होगा, बिकॉज पैलिएंटोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साइंस कंसर्न विद द लाइफ फॉर्मर जियोलॉजिक पीरियड एज सोन बाई फॉसिल रिमेन। मतलब जो हमारे फॉर्मर जियोलॉजिक पीरियड्स में जो लाइफ रही है, मतलब हम लोग जैसे पढ़ते नहीं मीजोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा,
ठीक है। सो ये जो अलग अलग एरा में जब जो हमारे फॉर्मर जियोलॉजिक की जो पीरियड्स और एराज हुए हैं, इसमें जो एनिमल्स हैं उनको जब हम लोग फॉसिलाइज फॉर्म में जब हम पाते हैं और उसकी स्टडी करते हैं तो वो पैलियंटोलॉजी के अंदर आता है। इसमें पैलियो जियोलॉजी अलग हो जाता है और पैलियो बॉटनी अलग हो जाता है। मतलब जब हम लोग प्लांट्स के थ्रू प्लांट्स को फॉसिलाइज फॉर्म में पढ़ते हैं तो पैलियो बॉटनी में आ जाता है, और जब एनिमल्स को फॉसिलाइज फॉर्म में पढ़ते हैं तो पैलियो जियोलॉजी हो जाता है। ठीक है। सो हम लोग इसमें क्या करना है कि जो भी हमें फॉसिलाइज फॉर्म में एनिमल्स मिल रहे हैं, बोन्स मिल रही है, उसके थ्रू हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट को एक अपना पास्ट मैप करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी एनिमल की बोन मिली, इसका इनफैक्ट मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगी विला फ्रैंकियल फौना का। वन सेकेंड, विला फ्रैंकियन फौना और फ्लोरा का। सो देखिए, जो भी प्लिस्टोसीन एरा के टाइम, आपने, मुझे पक्का भरोसा है कि आप सब में इसको जानते होंगे, आप सब ने इसके बारे में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा मैं बताती हूँ कि जो भी प्लिस्टोसीन एरा के टाइम जो फ्लोरा या फौना मिले थे, फ्लोरा मतलब फ्लावर होता है, मतलब प्लांट से रिलेटेड है प्लांट, और फौना मतलब एनिमल से। ठीक है। ठीक। सो एनिमल और यहाँ पर प्लांट, फ्लावर नहीं, आप ज़्यादा करेक्ट होगा अगर मैं प्लांट बोलूँगी। सो प्लांट, ओके। सो विला फ्रैंकियन फौना, फ्लोरा और फौना क्या थे कि ये ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स थे जो कि किस टाइम मिलते, प्लिस्टोसीन एरा के वक्त मिले थे। ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी हमें मान लीजिए कोई फॉसिलाइज बोन मिली, ठीक, और मान लीजिए वो बोन जो है उस, हम उस बोन के बेसिस पे उसको ट्रेस किया, उस बेसिस पे हम लोग ये सोच रहे हैं कि अच्छा ये तो एलिफेंट की बोन है, मतलब ये जैसे मान लीजिए विला फिंगर फौना फ्लोरा फ्लोरा और फौना का एग्जांपल ले, तो हमें यू नो एक्वस मिला था, एलिफस मिला था, तो हमने उस बेसिस पे कहा था कि अच्छा ये तो एनिमल जो है ये तो ठंडी जगह कोल्डर एरिया कोल्डर रीजन के हैं। ठीक है। तो उस बेसिस पे हम लोग पता नहीं अच्छा कोल्डर रीजन के हैं, मतलब उस टाइम बहुत बर्फ गिरती होगी, ऐसा माहौल रहा होगा, ऐसा टेम्परेचर, ऐसा क्लाइमेट होगा, ऐसे प्लांट्स होते होंगे ना, तो हम जब ऐसे ट्रेस करने की कोशिश करते हैं तो वो पैलियंटोलॉजी के अंदर आता है। सो इस तो ऐसे ही विला फ्रैंकियल फौना और जो फ्लोरा और फौना की कैटेगरी बनाई गई थी जो कि प्लिस्टोसीन एरा में पाए गए थे एनिमल्स। ठीक है। सो एनिमल्स के बेसिस पे फिर हम लोग देखिए एनिमल्स कौन से एनिमल्स किस एरा में किस किस रीजन में किस तरह के एटमॉस्फेयर में पाए जाएंगे, इसके लिए हम लोग अलग अलग तरह के रूल पढ़ते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं एलन, कहाँ लिखूँ, वन सेकेंड, या जैसे हम लोग एलन का रूल पढ़ते हैं ना, एलेंस रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ब्रैगमैन का रूल पढ़ते हैं, एलेंस और ब्रैगमैन, इन लोग के रूल के बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हाँ मतलब इस तरह का एनिमल है, उसके ये फीचर्स हैं, तो वो इस तरह के क्लाइमेट में ही पाया जाएगा। सो बोन के बेसिस पे हम लोग देखते हैं अच्छा इस एनिमल की बोन है तो उस एनिमल वो एनिमल किस तरह के एटमॉस्फेयर में रहेगा, किस तरह के इन्वायरमेंट में रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। सो उस बेसिस पे जब हम लोग अपने पास्ट को रिलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो पैलियंटोलॉजी में आता है इस, जब लेकिन किसके थ्रू, फॉसिल रिमेन के थ्रू। ओके। चलिए नेक्स्ट है टाइपोलॉजी। टाइपोलॉजी सेकेंड मैं लिख देती हूँ कि या सो टाइपोलॉजी क्या है। टाइपोलॉजी में हम लोग एक जो बहुत ये बहुत आसान सा मेथड है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो अब जब जैसे मान लीजिए आपने किसी किसी भी जगह से आपने कुछ वहाँ से आर्टिफैक्ट्स निकाले, आपको दो तरह के आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं। एक आर्टिफैक्ट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पुअर है, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम ख़राब कंडीशन में, उसकी कंडीशन एकदम बेकार है, क्रूड एकदम टूल है, और एक आर्टिफैक्ट्स आपको ऐसे मिल रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेल प्रिजर्व्ड है। ठीक है। सो सो आप जब इस बेसिस पे टाइपोलॉजी के बेसिस पे कि अच्छा ये बहुत बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब है, मतलब बहुत क्रूड टूल है, मतलब ये बहुत ज़्यादा जैसे अगर आपको कोई टूल मिले बहुत ज़्यादा फाइनली चॉप्ड है तो आप कहोगे कि यार ये तो नियोलिथिक पीरियड का टूल है, लेकिन आपको बहुत क्रूड टूल मिल रहा है जैसे प्रॉपर उसमें फ्लेकिंग नहीं हुई है, तो आप कहोगे कि अरे ये तो ना पैलियोलिथिक पीरियड का है। मतलब जब आप टूल कैसा है, वेल प्रिजर्व्ड है कि नहीं है, उसको आप एलाबोरेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इस बेसिस पे जब आप रिलेट करने की कोशिश करते हो टाइप पीरियड को, तो उसको टाइपोलॉजी कहते हैं। और ये माना जाता है कि जो बहुत ज़्यादा वेल प्रिजर्व्ड है वो नए टूल्स होंगे, और जो पुअरली प्रिजर्व्ड है वो क्या होंगे, वो अर्लियर टूल्स हैं, और जो वेल प्रिजर्व्ड टूल्स हैं वो अभी रिसेंट के टूल्स होंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें वो है क्रॉस डेटिंग। क्रॉस डेटिंग भी बहुत आसान है, जब हम कंपैरिजन करते हैं आर्टिफैक्ट्स का, दो आर्टिफैक्ट्स दो अलग अलग जगह पे हमें मिले हैं और हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि अच्छा ये कैसे हैं, और जब हमें मान लीजिए इसमें भी सिमिलैरिटी, मान लीजिए इस आर्टिफैक्ट्स में ये आर्टिफैक्ट कुछ ऐसा ऐसा इसमें था डिज़ाइन
और इस आर्टिफैक्ट में भी कुछ ऐसे ही डिज़ाइन थे, थोड़े बहुत सिमिलैरिटी, यहाँ पर ऐसे कुछ था, यहाँ पर कुछ ऐसा था, तो हमने कहा कि देखो इसमें भी यही डिज़ाइन है, ये यहाँ पर ये चीज़ हो रखी, इसमें भी ये यही, तो मतलब हम दोनों में क्या कर रहे हैं, जब हम सिमिलैरिटी के बेसिस पे ये कहते हैं कि अच्छा ये तो कंटेम्परेरी टाइम के होंगे, एक ही टाइम की ये दोनों चीज़ें होंगी, क्योंकि इनके ना स्ट्रक्चर में, इनके जो स्टाइल है, इनके जो यू नो जो भी इनमें वर्क हो रखा है, इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, इस बेसिस पर जब हम लोग पास्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो क्रॉस डेटिंग उसको कहा जाता है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट जो है डेटिंग मेथड्स थी रिलेटिव डेटिंग मेथड्स में, एक बार मैं रिवाइज कर दे रही हूँ। जैसे मैंने आपको रिलेटिव डेटिंग मेथड बताया कि इसमें एग्जैक्टली हमें क्या होता है, हमें डेट नहीं पता होती, हम क्या करते हैं उसमें केवल रिलेशन और कंपैरिजन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन और कंपैरिजन के थ्रू हम लोग पास्ट को डेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, फिर मैंने आपको बताया कि कितने टाइप के होते हैं, तो पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला जो है वो क्या है, स्टैटिग्राफी है। देन मैंने आपको बताया फ्लोरीन एनालिसिस, यूरेनियम और नाइट्रोजन के बारे में। देन मैंने आपको अगला जो बात की हम लोगों ने, वो बात की हम लोगों ने सीरिएशन मेथड के बारे में। देन सीरिएशन मेथड के बाद हम लोग नेक्स्ट जो बात की, वो बात की हम लोग ने रिलेटिव डेटिंग मेथड में पैटिनेशन के बारे में। पैटिनेशन के बाद हम लोग ने पैलिनोलॉजी के बारे में समझा कि पैलिनोलॉजी क्या है। पैलिनोलॉजी के बाद हमने जो नेक्स्ट मेथड देखा वो है पैलिएंटोलॉजी का। एंड पैलिएंटोलॉजी के बाद हम जिस मेथड को पढ़े हैं वो है टाइपोलॉजी, और जिसमें हम लोग नए पुराने क्रूड और कितना वेल प्रिजर्व्ड है इस बेसिस पे, और लास्ट जो है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं क्रॉस, उसको कंपैरिजन कर रहे हैं उस, वो है क्रॉस डेटिंग। सो ये इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेटिव डेटिंग मेथड थे। आई होप कि आपको ये सारे समझ में आए होंगे। अगर इनमें से आपको किसी में भी प्रॉब्लम है सो आप मुझे वो लिखकर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैम मुझे ये पार्टिकुलर रिलेटिव, ये मेथड रिलेटिव डेटिंग मेथड में नहीं समझ में आया है, मैं आपको उसको फिर से जब मैं एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड अभी बताऊंगी तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, या फिर मैं आपको टेलीग्राम पे उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करके लिख के भेज दूंगी, जिससे आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर आपके डाउट को यू नो सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।